तो आज है डे 4 मेरा इंडिया राइड सीजन 1 का, और अभी बज रहा है सुबह के 5:30। पहुंच गए इंडिया का नायग्रा फॉल्स जिसको बोलते हैं, वह चित्रकूट वाटरफॉल्स। ये ऊपर रहा चित्रकूट वाटरफॉल्स और मैं एकदम नीचे हूँ। यहाँ से चित्रकूट पे पास में ही खाने का जो जगह है, यहाँ पे थोड़ा मसाला डोसा खा रहे हैं। फिर यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट वाटरफॉल आज का हुआ है ताम्र घुमट और उसके बाद पिंगली घुमट। तो चलो अभी चलते हैं ताम्रा घुमट वाटरफॉल। यहाँ से दिखा रहा है 17 किलोमीटर 25 मिनट, फिर वहाँ जाके बात करते हैं। हमको लेना होगा उस गेट से राइट जो कि हम जाएंगे ताम्रा घुमट, उसके बाद देखेंगे मेंद्री घुमट, फिर उसके बाद और एक अच्छा सा फॉल्स है। तो यहाँ से मुझको लेना होगा राइट, पीछे देख लिया। तो यहाँ से है 14 किलोमीटर। आज सुबह हम गाड़ी को थोड़ा साफ किए, इतना गंदा दिख रहा था। वो ऐसा है ना कि अचानक अचानक से लैंडस्केप चेंज हो जा रहा है, कभी एकदम खुला मैदान, फिर ऐसे रास्ते। जैसे एक ही बात में वो क्या डायलॉग था, वक्त बदल गया जज्बात बदल गए। हाँ, अभी क्या हो गया। अच्छा नहीं नहीं जगह है।
तो पहुंच गए ताम्र घुमर और यह है पार्किंग यहाँ का। और यहाँ से जाना होगा नीचे। मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि एक स्टेप लेते ही ये नज़र में आ जाएगा। क्या जगह है, क्या जगह है। क्या सुंदर है। अब ये नीचे फॉल कर रहा है। ओ वो नीचे जा रहा है फॉल्स। मेरा थोड़ा हाइट से डर लगता है इसलिए मैं ज़्यादा सामने जाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरे पीछे ये है ताम्र घुमर वाटरफॉल, जो कि तब मैं वहाँ से दिखा रहा था। अब ये है फुल व्यू ऑफ ताम्र घुमर। ये भी छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आता है और चित्रकूट से इसका डिस्टेंस है अराउंड 25 किलोमीटर। ये हो गया ताम्र घुमर वाटरफॉल के बाद हम जा रहे हैं मेंद्री घुमर वाटरफॉल। उसके बाद जाएंगे पारापुर वाटरफॉल और उसके बाद प्लान है बीजा खासा। तो देखते हैं कितना देर बनता है, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो बना रहा हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे सब कुछ कवर करना है अच्छे से। आज नहीं होगा तो कल फिर करेंगे, फिर परसों करेंगे, कोई हड़बड़ी है नहीं। जब इतना दूर बाइक चला के आए हैं तो अच्छे से कवर करते हुए ही जाएंगे, ऐसा कोई घाई में कुछ नहीं करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। मेंद्री घुमर यहाँ से निकल आ रहा है 5.7 किलोमीटर, जो कि 10 मिनट की दूरी पे। तो मैं जैसे बोल रहा था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे इस इलाके में एकदम नज़दीक 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो देखने लायक हैं। यहाँ पे ये पूरा जंगल में अकेले ही है, तो इसीलिए मैं पूरा जो ट्रिप प्लान किया वो वीकडेज में प्लान किया, ताकि यहाँ पे भीड़ ना रहे। क्योंकि तो मेंद्री घुमर में टिकट है 20 रुपये का, ताम्र घुमर में कोई टिकट नहीं था, यहाँ पे टिकट है। अभी चलो आगे चलते हैं। उधर है दीदी, किस तरफ जाना है? अच्छा इधर।
मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर टेंट कर सकते हैं, अच्छा जगह है टेंट पिच के लिए। ये है मेंद्री घूमर, चलो दिखाते हैं आपको। तो ये भी ठीक ठाक ही है, इतना ख़ास भी नहीं था, क्योंकि बहुत देर दूर से दिखने को मिलता है ये, अब नज़दीक जा नहीं सकते हो मेंद्री घूमर के। लेकिन जहाँ तक मैं YouTube का Google में तस्वीर देखा हूँ, पारापुर वाटरफॉल्स भी बहुत सुंदर है। हो गया, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू। आपका नाम क्या है बोल दीजिए एक बार कैमरा में। डॉक्टर माखन। डॉक्टर साहब हैं आप, किस चीज़ का डॉक्टर है? MBBS। तो बारिश थोड़ा कम है तो चले जाते हैं पारापुर, पारापुर घूम के फिर निकलते हैं होटल के लिए। आज और भी जगह सा होगा नहीं होने से। तो ये जो पानी है यही शायद जा रहा है पारापुर वाटरफॉल के लिए। अभी थोड़ा बारिश चल रहा था इसलिए मेरा जो कैमरा था वो अभी पूरा पैक होके रखा है, सिर्फ GoPro ये वाटरप्रूफ है इसलिए इसमें चल रहा है। आ चुका है पारापुर वाटरफॉल। अभी ये वाटरफॉल कहाँ पे है मुझे पता नहीं है, कहाँ से दिखेगा ये, चलो कोशिश करते हैं। तो यहाँ से कहीं से दिख तो जाएगा, साउंड आ रहा है बहुत ज़ोर का, आपको दिखाते हैं। बहुत दूर से दिख रहा है, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग मुझे बोले कि इधर से उतरना थोड़ा रिस्क है, थोड़ा आगे से घूम के हम देख सकते हैं इसको। तो पानी तो इसमें बहुत है, बहुत फोर्स से है पानी का, चलो देखते हैं कहाँ से उतरते हैं। बाइक मैं वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे बीच में एक नाला जैसे बह रहा है, कट दिया रूट को, तो वहाँ से बाइक आ नहीं सकता है। अगर फॉल्स का रूबरू हो पाऊँ तो आपसे बात करते हैं फिर से और फॉल्स को दिखाते हैं। हम ये ऊपर से आए तो मैं दिखा रहा हूँ आपको पारापुर वाटरफॉल का सबसे अच्छा व्यू, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आना पड़ा। चलो देखते हैं, ऑन 1 2 3। हम गए थे एकदम नीचे आपको फॉल्स के व्यू दिखाने के लिए, और ये है मेरा चारों तरफ का व्यू।
अभी आ गया है बारिश, तो चलो निकलते हैं। तो आज और भी जगह से वाटरफॉल होगा नहीं, अभी होटल में चलते हैं फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा थक भी हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? मछू। आपका नाम क्या है? मचुका है। अच्छा, और आपका नाम क्या है? जूरू। और आपका नाम है? मनो। यहाँ पे ये देखो, इसी के लिए वहाँ पे बाइक खड़ा करना पड़ा, बाइक नहीं आया। भाई वीडियो बनाएगा? हाँ वीडियो बन रहा है। बहुत थक चुके हैं लेकिन मज़ा बहुत आया है, बहुत मज़ा आया है। तो आज डे 4 का एंड। आज मैं 4 फॉल्स कवर किया, जिनमें से पहला है चित्रकूट वाटरफॉल, फिर ताम्बड़ा घूमर वाटरफॉल, और उसके बाद मेंद्री घूमर, और अंत में पारापुर वाटरफॉल। अब क्या हुआ, पारापुर वाटरफॉल इतना खाली जगह है कि वहाँ पे जैसे ही बारिश आया मुझे भागना पड़ा। वैसे भाग के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि करीबन आप देखे होंगे गोप्रो में कि करीबन शायद 7-8 किलोमीटर जो रोड है वो एकदम खाली है, तो पूरा भीग गया। यहाँ पे और एक वाटरफॉल है जो भी अच्छा है, वो इंद्रावती रिवर के उस तरफ पड़ता है, तो वो है बीजाखासा वाटरफॉल। वो आज हुआ नहीं, देखते हैं कल अगर सुबह सुबह निकल पाए, अगर सुबह कल बारिश ना हो तो सुबह बीजाखासा करके फिर तीरथगढ़ निकल जाएंगे, तीरथगढ़ वाटरफॉल जाएंगे। देखते रहो, प्लीज़ सपोर्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। फिर से बोल रहा हूँ, इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको, और अच्छा अच्छा जगह दिखाएंगे हम। आज मेरा सफ़र ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो कल फिर मिलते हैं बीजाखासा और शायद तीरथगढ़। तो टिल देन गुड बाय, वेट फॉर नेक्स्ट ब्लॉग।